हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने वेंट्रल सेक्शन ऑफ टूथ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स, फीचर्स एंड डेंटल फॉर्मूला ऑफ द ह्यूमन टूथ, या थोड़े बहुत हम पढ़ेंगे मैमल्स में किस तरह के फीचर्स होते हैं टूथ के और कहाँ लोकेटेड होते हैं और क्या इनका मेजर फंक्शन है। तो आप लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बकल कैविटी में 4 टाइप्स के ऑफ टूथ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। आप लोग ने पढ़ा ही होगा विच इज रिस्पेक्टिवली सेड टू बी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। किस फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई हेयर रिप्रेजेंट इंसीजर, कैपिटल सी रिप्रेजेंट हेयर कैनाइन, कैपिटल पी एंड स्मॉल एम रिप्रेजेंट प्रीमोलर एंड कैपिटल एम रिप्रेजेंट हेयर मोलर। तो 4 तरह के टीथ हैं, आपको पता ही होगा, फटाफट हम करेंगे इनको। कुछ स्पेशल चीज होगी तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इंसीजर का मेन काम क्या है, ग्नोइंग द फूड। ग्नो का मतलब होता है खाने को कुतरना। अब जैसे यदि हम रोडेट की बात करें, स्क्विरल की बात करें, रैट की बात करें, रैबिट की बात करें, तो वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग करते रहते हैं फूड को। ऐसा क्यों होता है उनके अंदर, तो कल ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यदि हम टीथ की एनाटॉमी में जाएं तो टीथ के लिए, ग्रोथ के लिए कौन सी कैविटी रिस्पॉन्सिबल थी, पल्प कैविटी। और यदि पल्प कैविटी धीरे धीरे स्क्वीज होनी शुरू हो जाती है, सिकुड़नी शुरू हो जाती है, तो टूथ की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन यदि हम रोडेंट की बात करें तो उनके अंदर जो रोडेंट है लाइक रैबिट, उनके अंदर ओपन रूटेड टीथ होता है। ओपन रूटेड टीथ का मतलब होता है जिसके अंदर पल्प कैविटी रिमेंड वाइड। पल्प कैविटी रिमेंड वाइड का मतलब बेटा, जितना ज्यादा पल्प कैविटी वाइड रहेगी उतनी ही ज्यादा ओडोंटोब्लास्ट सेल को क्या मिलेगी, ब्लड सप्लाई, और टूथ कॉन्टिन्यूसली क्या करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यदि स्क्विरल का एक टूथ जो है उसका इंसीजर फ्रंटल टूथ, यदि उसका डैमेज हो जाता है, टीयर हो, टूट जाता है, तो क्या उसकी सर्वाइवल पॉसिबल है। तो एक टूथ तो उसके कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करता जा रहा है और एक टूथ डैमेज हो गया तो ड्यू टू स्टार्वेशन उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रोडेंट के सामने वाले फ्रंटल टूथ क्यों बड़े होते हैं, तो आप उसके पीछे रीजन क्या लिखोगे कि उनकी पल्प कैविटी क्या रहती है, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो भी उनकी पल्प कैविटी स्क्वीज नहीं होती, वाइड रहती है, जिसको हम ओपन रूटेड टूथ कहते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है। अब बात आती है कि आपने एलिफेंट के अंदर 2 टाइप के टूथ पड़े होंगे, एक तो टस्क जो दिखते हैं दांत, जिसको हम कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो जो टस्क ऑफ एलिफेंट है, जिसका मेन काम वो अपने डिफेंस के लिए करता है, वो भी किसकी मॉडिफिकेशन है बेटा, अपर इंसीजर। तो इसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि जो उसके अपर इंसीजर है, अपर जो के जो इंसीजर है, वो मॉडिफाइड होके किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, टस्क में, जिसका मेन काम है एलिफेंट को डिफेंस देना। नेक्स्ट कम ओवर कैनाइंस। ऊपर तो हमने इंसीजर में, अपने इंसीजर का मेन काम क्या है, ग्नोइंग, कुतरने का, लेकिन ज्यादा डेवलप भी किसके अंदर होते हैं, रोडेंट्स में। कैनाइन जो शार्प पॉइंटेड टीथ होता है, इसका मेन काम है टीयरिंग एंड शियरिंग। टीयरिंग चीरना और फाड़ना। तो जनरली जो ये कैनाइंस हैं, दे आर मोर डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल। अब बात आती है हर्बीवोरस एनिमल की, जिनका, जिनके लिए कोई भी मेजर रोल नहीं है टीयरिंग और शियरिंग का। तो उन केस में, रैबिट के केस में या किसी भी अदर रोडेंट के केस में, या जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनके अंदर जो कैनाइंस है वो एब्सेंट होते हैं। तो यदि हम बात करें, फ्रंटल टीथ को हमने क्या बोला बेटा, इंसीजर, साइड वाले टीथ को आपने क्या बोला, पॉइंटेड टीथ को कैनाइंस। तो अब कैनाइन का कोई रोल ही नहीं है, तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के अंदर कैनाइंस डेवलप ही नहीं हुए, तो वो स्पेस गम्स में क्या रह जाते हैं, एम्प्टी स्पेस रह जाते हैं। मतलब कैनाइन की जगह पे कोई भी दांत नहीं है उनके अंदर, एंड दैट एम्प्टी स्पेस इज सेड टू बी डायस्टेमा। तो ये क्वेश्चन भी नीट में एक बार पूछा गया है बहुत साल पहले कि डायस्टेमा क्या है। तो रैबिट के अंदर आप क्लियरली देखेंगे फ्रंटल टूथ बड़े और साइड में स्पेस क्या रहता है, खाली रहता है, एंड दैट स्पेस इज सेड टू बी डायस्टेमा। ये एक्चुअल में किसकी जगह थी, कैनाइन की, और कैनाइन का उनके अंदर कोई रोल नहीं है, तो कैनाइन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो नेक्स्ट है प्रीमोलर। अब कैनाइन के साइड में जाएंगे, मोलर और कैनाइन के बीच में कौन से टूथ प्रेजेंट होते हैं, प्रीमोलर, मेन फॉर च्यूविंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। इनका मेन काम है खाने को चबाने का, च्यूविंग, ग्राइंडिंग करने का। एंड लास्ट वन इज मोलर, जिसको हम बैक टूथ भी बोलते हैं और चिक टिथ भी बोलते हैं। चिक का मतलब हमारे गाल के पीछे, और बैक का मतलब जो सबसे पीछे की तरफ दांत है उसको क्या बोलते हैं, मोलर। इन दोनों का, प्रीमोलर एंड मोलर का मेन काम क्या है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को मेजर चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का, बोलस में कन्वर्ट करने का काम कौन से टूथ करते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने टूथ को कितनी मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया, 4 मेजर कैटेगरी में। अब थोड़ा सा स्पेशल नोट की बात कर लें, यदि हम मैमल्स की बात कर लें, तो यदि हम इन्फेंट की बात करें तो उनके अंदर प्रीमोलर्स
और लास्ट मोलर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और यदि हम एडल्ट की बात करें तो हमारे अंदर प्री मोलर और लास्ट मोलर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब प्री मोलर जो, अब यदि हम बात करें टिथ दो टाइप के हैं बेटा, मिल्क टिथ जो अर्ली स्टेज ड्यूरिंग इन्फेंट स्टेज डेवलप हो गए, और जो एडल्ट स्टेज में आए इसको हमने क्या कहा था, परमानेंट टूथ। धीरे धीरे ये टेम्पररी टूथ झड़ते चले जाते हैं, शट ऑफ होते जाते हैं, और उनकी जगह कौन सी टूथ ले लेते हैं, परमानेंट टूथ। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। इन मेमिलिया एक्सेप्ट प्री मोलर एंड लास्ट मोलर ऑल टाइप ऑफ टिथ अपीयर ट्वाइस इन लाइफ, हमारे सभी दांत दो बार आते हैं एक्सेप्ट प्री मोलर एंड लास्ट मोलर, ये सिर्फ किसके अंदर आते हैं, एडल्ट के अंदर। टिथ अपीयरिंग चाइल्डहुड टिथ जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टिथ, टेम्पररी टिथ, डेसिडुअस टिथ एंड लैक्टिल टूथ, मिल्क के दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि दूध के बने हैं, ऑल टीथ आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम। अब बात आती है कि टूथ झड़े कैसे, बनाया तो ओडोंटोब्लास्ट सेल है, मैंने आपको बताया ही था कल, ओडोंटोब्लास्ट सेल कहां प्रेजेंट था, पल्प कैविटी के अंदर की साइड। लेकिन अब पुराने दांत को मिल्क टिथ को झाड़ना है, उसकी जगह पे परमानेंट टिथ को लेके आना है, तो वहां पे मेजर कौन से सेल पार्टिसिपेट करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, क्लास्ट का मतलब होता है डिसॉल्विंग, जो इसकी जड़ों को कमजोर कर दे और ये दांत वहां से झड़ जाए। तो जब तक मिल्क टिथ झड़ेंगे नहीं तब तक उसकी जगह पे परमानेंट टिथ आएंगे नहीं। तो कौन से सेल मिल्क टिथ को शट ऑफ कराते हैं और उसकी जगह पे नए टिथ की फॉर्मेशन को अलाउ करते हैं, आपसे पूछा जाए तो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो का मतलब बोन, क्लास्ट का मतलब डिसॉल्विंग, जो बोनी स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करते जाए और उसकी जगह पे कौन से टूथ आ जाए, परमानेंट। तो ये तो थी फंक्शन के बेस पे। अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ टिथ, कि टिथ कहाँ लोकेटेड है, अपने अपर एंड लोअर जॉ में रिस्पेक्टिवली, मैक्सिला एंड मैंडिबल, मैक्सिला इज अपर जॉ, मैंडिबल इज लोअर जॉ। क्लियर है आपको, हमारे टिथ कहाँ सिचुएटेड है, जॉ के सॉकेट में सिचुएटेड है थिकली, जितना पार्ट आपको ऊपर दिख रहा है क्राउन पार्ट, उससे भी ज्यादा हमारे टिथ किसके अंदर लोकेटेड है, जॉ के अंदर। तो अब आ जाते हैं फंक्शन या फीचर्स ऑफ टिथ, सॉरी, मोनोफायोडोंट। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मीन्स वन, फायो मीन्स टॉल, डोंट मतलब टिथ, वन टन टिथ, जो हमारे लाइफ में सिर्फ एक ही बार अपीयर हुए हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट। अभी अभी मैंने आपको बताया प्री मोलर एंड लास्ट मोलर इन्फेंट के अंदर नहीं होता, सिर्फ कहाँ आता है, एडल्ट स्टेज में आता है, या जब मिल्क टिथ झड़ते हैं तो उसके बाद आने शुरू होते हैं। दैट्स वाई प्री मोलर एंड मोलर के लिए हमने यहाँ पे टर्म क्या यूज किया, मोनोफायोडोंट, विच अपीयर ओनली वंस इन लाइफ टाइम। सेकेंड आ जाता है डायफायोडोंट, प्री मोलर एंड लास्ट मोलर को छोड़ के सभी दांत हमारी लाइफ में कितनी बार अपीयर हुए, ट्वाइस अपीयर हुए, दो बार अपीयर हुए, इसीलिए हमने उसके लिए टर्म क्या यूज किया, डाय, डाय मीन्स टू, फायो मीन्स टर्न, डॉट मतलब टिथ। इंसीजर केनाइन एंड मोलर, स्टार्टिंग के टू मोलर, लास्ट मोलर की बात नहीं कर रही मैं, इंसीजर केनाइन मोलर ये हमारी लाइफ में कितनी बार अपीयर हुए बच्चों, दो बार, दैट्स व्हाई हमने टर्म क्या यूज किया, डायफायोडोंट। अब आता है हिट्रोडोंट, क्या आप अपने जब डेंटिशन देखते हैं, टिथ की अरेंजमेंट देखते हैं, तो क्या टिथ सभी सेम है स्ट्रक्चर में या अलग अलग है, तो आप देखेंगे कि सभी टिथ की स्ट्रक्चर अलग अलग है, और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हिट्रोडोंट, मीन्स टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ह्यूमन की बात करें तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे ये अलग अलग शेप है इनकी, इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, हिट्रोडोंट। तो अभी हिट्रोडोंट का क्लियर हो गया होगा आपको फीचर कि मैमल्स के अंदर कैसे होते हैं बेटा हिट्रोडोंट, लेकिन यदि हम थोड़ा सा फोकस करें तो फिशेस के अंदर एंड आपके एम्फीबियंस के अंदर जो टिथ की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम होती है, सभी टिथ बिल्कुल यूनिफॉर्म होते हैं शेप में, और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होमोडोंट। तो मेमिलिया के अंदर किस तरह के टिथ हैं, मेमिलिया के अंदर कैसे टिथ हैं, हिट्रोडोंट इंक्लूडिंग ह्यूमन, और आपके पाइसिस एंड एम्फीबिया के अंदर कैसे टिथ हैं, होमोडोंट, बिल्कुल सेम डेंटिशन होता है, सेम अरेंजमेंट हो जाती है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेंटल फॉर्मूला, जो आपके स्पेशली नीट के लिए हम पढ़ेंगे कि किस तरह की डेंटिशन होती है, कैसी टिथ की अरेंजमेंट होती है और कितने नंबर्स होते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि हमारे जॉ के अंदर टिथ किस मैनर में अरेंज है, कितने उनके नंबर हैं,
तो कंप्लीट जो आइडिया होता है, जैसे सपोज कोई भी फॉर्मूला है NaCl कि सोडियम क्लोराइड में Na और Cl के कितने एटम है, सेम थिंग किसी के भी जॉ बोन में मैंडिबल एंड मैक्सिला के अंदर किस तरह से टिथ की अरेंजमेंट है, उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला, विच इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टिथ इन अपर एंड लोअर जॉ। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ बेटा, डेंटल फॉर्मूला में हम हाफ ऑफ जॉ को कंसिडर करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग की जो चार दांत है, ये क्या है अपने इंसीजर, चार अपर जॉ में और चार लोअर जॉ में, तो हमने हाफ जॉ को कंसीडर किया। तो कंफ्यूज मत होना, हाफ जॉ का मतलब हाफ जॉ इधर से ले लो आप, तो ये टू इंसीजर, वन केनाइन, टू प्रीमोलर एंड थ्री क्या है मोलर, एडल्ट की बात करें। तो हाफ जॉ के कंसीडर करके हम डेंटल फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर जो टिथ होते हैं प्रेजेंट उसको हमने क्या कहा, मिल्क टिथ। तो व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टिथ, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इंसीजर कितने हैं चाइल्ड के अंदर, टू, हाफ अपर जॉ हाफ लोअर जॉ। केनाइन कितने हैं, हाफ अपर जॉ हाफ लोअर जॉ। प्रीमोलर कितने हैं, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं इन्फेंट्स के अंदर, जीरो जीरो, एंड मोलर कितने हैं बेटा, टू टू, लास्ट मोलर छोटे बच्चों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो टू वन टू, टू वन जीरो टू, तो टोटल कितने हो गए हाफ में, फाइव, फाइव कहाँ हो गए, नीचे फाइव इधर हो गए और फाइव इधर हो गए, तो टोटल कितने टिथ हो गए, ट्वेंटी। यहाँ पे ये डिवीजन का साइन नहीं है बेटा, दिस साइन रिप्रेजेंट अपर जॉ, कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर जॉ को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर जॉ को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अपर जॉ एंड लोअर जॉ को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिवीजन का साइन नहीं है। तो हाफ अपर में कितने हैं, फाइव, हाफ लोअर में कितने हैं, फाइव, अगेन हाफ अपर में कितने हैं, फाइव, एंड लोअर हाफ में कितने हैं, फाइव, तो टोटल कितने टिथ हो गए, ट्वेंटी। अब आ जाते हैं 17 इयर्स ओल्ड में, जो आपका एज ग्रुप है या थोड़े आप इससे छोटे हैं, उनके अंदर इंसीजर कितने हैं, टू टू टू, हाफ जो की बात करें, अपर जो लोअर जो रिस्पेक्टिवली केनाइन, वन वन, प्रीमोलर कितने हैं बेटा, टू टू, एंड मोलर कितने हैं, टू टू, अगेन हमने इसको मल्टीप्लाई किया टू से, तो टोटल कितने आए, 14 14, तो टोटल कितने टिथ हैं अपर एंड लोअर जो को मिला के, 28। अब आ जाते हैं हम एडल्ट की बात, एडल्ट के अंदर एडल्ट को हमने कंसीडर किया 18 to 25 ईयर्स एज ग्रुप, जो आपने लास्ट में सुनी होगी एक लास्ट मोलर आती है जिसको हम विजडम टिथ, और हिंदी में और लेमैन लैंग्वेज में हम जिसको अकल जाड़ कह देते हैं। तो एडल्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 ईयर्स, इसके अंदर यदि हम डेंटल फॉर्मूला को देखें तो इंसीजर कितने हैं, अगेन अपर जॉ 2 2, केनाइन 1 1, प्रीमोलर 2 2, एंड मोलर 3 3। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट मोलर है वो कब अपीयर हुई, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में अपीयर हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टिथ। एक्चुअल में ये वेस्टिजियल टिथ है और कोई इसका कोई लेना देना नहीं है, विजडम टिथ हम इसीलिए टर्म यूज करते हैं कि इस एज ग्रुप में लगभग क्या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आईक्यू होता है या सारी चीज की समझ आ जाती है, दैट्स वाई हम टर्म यूज करते हैं विजडम टिथ। और टोटल कितने टिथ है, 32। तो बच्चों के अंदर, बेबी के अंदर फॉर्मूला क्या हुआ है, यदि सिंपली बोलूं तो 2102, 2102 हेयर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20। अब यदि हम 17 ईयर्स इस ग्रुप में देखें तो 2122, 2122 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28। और यदि हम एडल्ट की बात करें तो 2123, 2123 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32। तो रिस्पेक्टिवली आपको क्लियर ही हो गया होगा कि अब आपने डेंटिशन में देखें और आप कहें कि हमारे तो 32 नहीं आए, तो अभी तक आप इस स्टेज में हैं। तो डेंटल फॉर्मूला गिव हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टिथ, कि डेंटल फॉर्मूला को देख के आपको सिर्फ कितने टिथ का पता चल रहा है, हाफ नंबर का पता चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर पता करना है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो दिस इज डबल टू डिटरमिन द फुल नंबर। तो यदि आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल का, एलिफेंट का, रैबिट का डेंटल फॉर्मूला दिया हुआ है और आप कहें कि उसके उतने टिथ हैं, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टिथ क्या होंगे, डेंटल फॉर्मूला में जितने टिथ दिए हैं मल्टीप्लाई बाय 2। विजडम टिथ आपको पता ही है, लास्ट मोलर जो किसमें अपीयर होती है, एडल्ट स्टेज में, किस एज ग्रुप में अपीयर होती है, 18 to 25। होप सो आपको टिथ का पूरा फीचर्स क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन, कि अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन कैसे रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। थैंक यू।